सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियोस पर। और गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि यूट्यूब सबका पेमेंट जो है वो खा गया है, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल और बिल्कुल सही जो है वो मेरा टाइटल देखा है। और ये चीज़ आप भी नोटिस करते होंगे गाइस, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो 5 या 6 अप्रैल के बाद से जो है हमारे YT स्टूडियो हमारी अर्निंग ऐड ही नहीं हुई है, या फिर जो हमारी मार्च की अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा कट होके हमारे एडसेंस में ऐड हुई है। मतलब दोनों प्रॉब्लम इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आई हैं। तो YouTube का नया अनाउंसमेंट है कि YouTube अब किसी को पेमेंट नहीं देगा, किसी का पेमेंट नहीं दी मतलब अब वो रिलीज करेगा, ना ही वो किसी को पेमेंट देगा। अगर आपको वीडियो बनाना है तो गाइस आपको फ्री ही उसका वीडियो बनाना पड़ेगा। तो गाइस, इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं भाई। 5 अप्रैल के बाद जो 6 अप्रैल को अर्निंग ऐड हुई है, उसके बाद से अभी तक हमारी कोई भी अर्निंग जो है वो ऐड नहीं हुई है। और एक ये स्क्रीनशॉट देखिए, मेरा मार्च का जो रेवेन्यू है वो $138 है और अब आप एडसेंस में देखिए सिर्फ $51 ऐड हुआ है। मान के चलिए जो भी $88-90 मेरा वो कट कर लिया है। अब वो क्यों कट किया गया है और ये अर्निंग कहाँ गई मेरी? अगर मैं $90 की बात करूँ तो क्या 7,000-7,500 रुपये के ये होते हैं, तो एक महीने में क्या इतना किसी का कट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, मेरा हुआ है। अब ये क्यों हुआ है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते जाना है। और ये 5 अप्रैल के बाद जो अर्निंग ऐड नहीं हुई है, तो ये होगी या नहीं या कैसे होगी, तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। गाइस देखिए, YouTube कोई छोटा प्लेटफॉर्म या छोटी कंपनी नहीं है जो कि भाई मतलब इस तरह से आपके साथ कर सके कि आपकी या तो अर्निंग खा जाए ये आपका कुछ भी कर दे। भाई YouTube कभी भी किसी का एक पैसा भी नहीं खा सकता, ये बात तो परफेक्ट है। अब भाई सभी लोग बोल रहे हैं कि फिर हमारी अर्निंग ऐड क्यों नहीं हुई? जी हाँ, तो गाइस अगर आप ध्यान से उस चीज़ को देखोगे तो नीचे जो आपका मार्च ऑनगोइंग रेवेन्यू है वहाँ पर आपका ऐड हो चुका है। सिर्फ आपका ग्राफ में जो है वो प्रोसेसिंग दिखा रहा है, अपडेट प्रोसेसिंग अगर आप लैपटॉप वगैरह में देखोगे तो भाई सही से बताएगा प्रोसेसिंग, लेकिन नीचे जो है वहाँ पे आपका ऐड हो चुका है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राफ में नहीं दिखा रहा है, बस इसका मतलब यह है कि भाई ये एक ग्लिच है और काफ़ी जल्द से जल्द ये ग्लिच हमारा सही हो जाएगा। अब 8 तारीख का जो रेवेन्यू हो वो भाई शो करने लगा है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, बस 6 और 7 का जो है वो अभी शो नहीं कर रहा है कितना बना कितना नहीं बना। तो भाई इसी चीज़ से काफ़ी लोग परेशान थे और मेरे को मेल कर रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम पे DM कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारी रेवेन्यू नहीं जुड़ी। तो भाई किसी का भी ऐड नहीं हुआ, मेरे भी आपने स्क्रीनशॉट देखे, मेरे रेवेन्यू भी ऐड नहीं हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और गाइस अब जैसे कि मैं बात करूं कि भाई मेरा $138 था जो कि सिर्फ और सिर्फ $51 मेरे को एडसेंस में मिला है, तो बाकी का मेरा $80-90 कहाँ गायब हो गया? तो गाइस इससे रिलेटेड मैंने YouTube टीम से चैट किया तो उन्होंने ये बोला कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। भाई इतना एस्टिमेटेड रेवेन्यू, इतना कम ज़्यादा किसी का नहीं हो सकता। ये मेरा 100% जो है वो YouTube ने काट लिया है, और मेरा ही नहीं 50% लोगों का ये काटा गया है YouTube की तरफ से। मैंने काफ़ी सारे लोगों को कॉल किया, भाई किसी का कटा है किसी का नहीं। हमारे जो टेक्निकल थॉट्स भाई हैं उनके भी करीब 70-80 डॉलर वहाँ पर कट चुके हैं, $80-90 हमारे कट चुके हैं। तो भाई इतना रेवेन्यू जनरेट करने में हमको पूरा मंथ लगता है और YouTube एक झटके में उसको काट लेता है, तो इसके खिलाफ सभी यूट्यूबर्स को जो है वो आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन एक दो के उठाने से कुछ नहीं होगा, कुछ अगर जब तक बड़े लोग भाई इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो एक ग्लिच की वजह से था, वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। सो बस, तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।